हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक गदर टू का तूफान देखकर बॉलीवुड गैंग का बुरा हाल वाह गदर टू का बिग अपडेट फ्रॉम अबाउट बॉलीवुड का तो भैया ये तो दिख रहा है कि घबराए हुए तो थे आने से पहले ही जब उसका ट्रेलर और टीजर आया था तब भी वो घबराए हुए ही थे और कईयों ने जो है मतलब जिस तरह से एक दूसरे को दूसरी बॉलीवुड मूवीज़ में बड़ा सपोर्ट करते हैं और उसके ऊपर कमेंट मारते हैं या ट्वीट करते हैं उस टाइप से गदर के लिए नहीं हुआ था आप लोग कई कह रहे थे कि सलमान खान मेरे ख्याल से वाज दी ओनली बॉलीवुड एक्टर जिसने गदर के बारे में बोला था कि फर्स्ट डे शो ये चालीस करोड़ करेगा और उस टाइप से कुछ पौ, मतलब पॉजिटिव बोला okay. था और वो भी इसलिए वह कह रहे थे कि रीज़न ये भी है क्योंकि उनकी जो फैमिली है ड्यूअल Family, उनके साथ जो है अच्छे रिलेशनशिप्स भी हैं तो पर मेजॉरिटी यही दिखा कि बॉलीवुड ने जो है पॉजिटिव वो तो अभी भी बॉलीवुड में आप देखो तो रिव्यूज वाले बड़े नेगेटिव रिव्यू देने दे रहे इतना प्रॉब्लम है मूवी इज वेरी गुड भैया हमने अच्छा हमने ओ भी देख लिया OG2 भी हम देख के आ गए हैं वो इस पहले ये वीडियो देख लेते हैं।, हैं उसके बाद फिर पहले गदर का तो देखें कि बॉलीवुड को क्या और फिर ओ एम जी टू के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे कि हमें कैसा है इसी में रिव्यू भी कर देंगे ठीक है तो चलो वीडियो शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेलाइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करेंगे आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक चेक चले शुरू करते हैं हेलो दोस्तों सनी देओल की मोस्ट अवेटेड मूवी गदर टू को लेकर बॉलीवुड गैंग अभी से ही परेशान होने लगी है क्योंकि हर व्यक्ति की जुबान पर सिर्फ सनी देओल की फिल्म गदर टू का ही क्रेज देखने को रहा है दोस्तों इस साल जितनी भी बॉलीवुड फिल्में आई हैं उनमें से ज्यादातर फिल्में फ्लॉप साबित हुई है इसलिए बॉलीवुड वाले काफी परेशान हो गए हैं और इसीलिए तो ग्यारह अगस्त को तीन बड़ी बड़ी फिल्मों की रिलीज डेट रखी गयी थी हालाँकि उनमें ऐसी कुछ फिल्में पोस्टपोन कर दी गयी है ग्यारह अगस्त को सनी देओल की गदर टू और अक्षय कुमार की ओ, तो ही रिलीज होगी फ्रेन जब गदर तू सिनेमाघरों में रिलीज होगी तो ये फिल्म अपने पहले ही दिन लगभग 60 से 70 करोड़ रुपए की दुनिया भर दे से ले सकती है क्योंकि इस फिल्म का क्रेज बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि साउथ तमिल तेलुगू मलयालम कन्नड़ यहाँ तक की विदेशों में भी इस फिल्म का क्रेज देखने को मिल रहा है इसलिए गदर तू कई बड़ी बड़ी बॉलीवुड फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ने वाली है क्यूँकी तो बच्चों से लेकर बड़ों तक कर रहे हैं यहाँ तक कि कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटी भी इस फिल्म को देखने के लिए काफी इंतजार कर रहे हैं लेकिन दोस्तों सनी देओल के आगे अक्षय कुमार दीवार बनकर खड़े हो गए हैं क्योंकि अक्षय कुमार की ओ माई गॉड टू भी ग्यारह अगस्त को ही रिलीज होने वाली है इसलिए अक्षय कुमार और सनी देओल में अब मैदानी जंग देखने को मिलने वाली है क्यूँकी अक्षय कुमार की मेरा बेटे फिल्म ओ माई गॉड टू भी ग्यारह अगस्त को सनी पाजी की फिल्म गदर तू जबरदस्त टक्कर होने वाली है दोस्तों तो इन दोनों फिल्मों की भिड़न को इस साल की बॉक्स ऑफिस पर सबसे बड़ी टक्कर माना जा सकता है जहां एक तरफ सलीफ आजी के फैस गदर फैसर भेस्टी से इंतजार कर रहे हैं वहीं अक्षय कुमार के फैस भी ओ माई गॉड टूका भेजी से इंतजार कर रहे हैं और इन दोनों फिल्मों के पहले पार्ट सुपर हिट रहे हैं अब ऐसे में देखना होगा की कौन आ, सी दोनों के पहले कड़ी टक्कर दे पाती है या नहीं या फिर कौन सी फिल्म बॉक्स ऑफिस आरोप हिट रहेगी क्यूँकी दोनों फिल्मों का क्रेज लोगों के छाया हुआ है वही रणबीर कपूर ने अपनी फिल्म एनिमल को पोस्टपोर्न hmm, कर दिया है अब सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर अक्षय कुमार और सनी पाजी की ही टक्कर देखने को मिलने वाली है दोस्तों इस टक्कर को देखते हुए बॉलीवुड गैंग और बाइक और गैंग काफी परेशान होने लगे है <laughs> क्यूँकी कुछ लोग नहीं चाहते कि सनी की सनी देओल की गदर तुम hmm. सुपरहिट फिल्म हो हालांकि दोस्तों में अक्षय कुमार और सनी पाजी दोनों का बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं चाहता हूँ की दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रहे दोस्तों आपका में

वो उसमें आप ऑब्वियसली बच्चों को नहीं लेके जा सकते हो वो उस टाइप की मूवी नहीं है एडल्ट के लिए मूवी है और कई बार अगर आप इतने फ्री नहीं हो अपने बच्चों के साथ तो आपको ऑकवर्ड फील हो सकता है अगर आप अपने बच्चों के साथ देखोगे बच्चों का मतलब है कि जो एडल्ट बच्चे भी हो तो आपको हो सकता है आप थोड़ा ऑकवर्ड फील करो ऐसी ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है पर वो सिखाती है कि कैसे आपको ओपन होना है उससे आपको ये रियलाइजेशन होगा कि भैया हमारे रिलेशनशिप जो है ठीक नहीं है इसका मतलब अगर हम ऑकवर्ड फील कर रहे हैं तो मतलब कुछ ऐसा है जो हमें ठीक करना पड़ेगा ताकि हमारा बच्चा जो है right. वो ओपन हो और हम हमसे सब कुछ डिस्कस कर सके वो आपको इस मूवी से जो है आपको रियलाइज़ होगा तब देखिए ओ जी टू जो है काफ़ी उन्होंने टफ़ टॉपिक लिया था काफ़ी सोसाइटी hmm. के लिए अच्छा टॉपिक है बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया है लोग सुनेंगे देखेंगे समझेंगे रिएक्ट करेंगे जिन स्कूलों में चेंजेस नहीं आए उन स्कूलों में चेंजेस आएंगे थोड़ा और ज्यादा फ्रीली आप बात करेंगे तो मेरे ख्याल से देर ट्राइंग टू तो ब्रिंग गुड चेंज इन सोसाइटी सोसाइटी hmm. को बता रहे हैं ये yeah, बना के उसका जो yeah. किया ना उस वजह से बड़ी प्रॉब्लम आ रही है अगर ये टैबू नहीं हो तो सोसाइटी में कई जो ऐसी प्रॉब्लम्स और नेगेटिव चीजें हो रही हैं वो कंट्रोल हो सकती हैं जो भी है, खत्म कर दिए आएगी तो मतलब वो बात तो बहुत ही अच्छी कर रही अच्छा है और वो एक वो मूवी जो है काइंड ऑफ आर्ग्यू कर रही है उन लोगों के अगेंस्ट जो ये नहीं चाहते तो उन्होंने जो भी कोर्ट केस किया है कोर्ट केस में दोनों व्यू पॉइंट दिखा दिए एक तरफ वो जो लड़की थी जो रिप्रेजेंट कर रही है कि क्यों हाँ इट इज़ ये गलत चीज़ है गलत चीज़ है और एक तरफ़ वो हैं जो बता रहे नहीं इसमें कोई गलत नहीं है सदियों से हमारी हिस्ट्री है और इसमें बहुत अच्छा बताया था कि जब अंग्रेज़ आए थे उन्होंने बहुत सत्यानाश किया था हमारे कल्चर का mm. अगर उसी तरीके के होते उसी टाइप की एजुकेशन चली हुई थी तो शुड हैव बीन ग्रेट तो हमारी mm. जो है प्रोग्रेस में बीच में अड़चने आई हैं बिकॉज ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड जिन्होंने हमसे सीखा हाँ, और खुद इम्प्लीमेंट हमारे को तबाह किया और हाँ। वो अच्छी लर्निंग्स अपने देशों में ले, ले गए।, गए और हमारे यहाँ पे उनको वो लर्निंग्स खत्म हो गई और हमारी सोच जो है वो एक डब्बे के अंदर वो लिमिटेड सी रह गई और इसीलिए उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स दिए थे और बहुत अच्छा दिखाया था और उन्हें भगवान भी दिखाया कहने के लिए कि ये नेचर है दिस इज हाउ पीपल आर ऐसे ही होता है तो मतलब जिस तरीके से बताए इट्स वेरी गुड मैसेज कुछ लोगों के रिव्यूज़ अलग भी हो सकते हैं बट मैं ये कहूँगा कि इट इज़ अ गुड मैसेज टू सोसाइटी और देखना चाहिए अप्रिशिएट करना चाहिए उससे अगर समाज में सुधार होता है देन ही ये ग्रेट जब मगर ये दोनों मूवीज टोटली डिफरेंट टोटली डिफरेंट एक बात कर रहा है सोसाइटी में एक मैसेज लेके जा रहा है और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं पुरानी गदर का रिस्पांस पैट्रियोटिक मूवी है mm. एक तरफ पेट्रियाटिज्म है आपका कंट्री के लिए एक तरफ सोसाइटी मैसेज है टोटली totally डिफरेंट है इसमें कोई कंपैरिजन ही नहीं है मोस्टली लोगों को दोनों देखो गदर तो देखनी बनती है क्योंकि ब्यूटीफुल मूवी है और ये भी अच्छी थी तो मैं ये कहूंगा कि बेसिकली दोनों मूवीज देख लेनी चाहिए mm. दोनों में आपको अप्रिशिएट होगा कि यस दे आर गुड और दोनों में मतलब ओ एम जी टू में भी कई ऐसे मोमेंट्स थे जो फनी मोमेंट्स भी उन्होंने लाए हैं एक्टिंग वाज मार्वलस

और पीछे जो है नंदी जो है वो साथ में पीछे पीछे जा रही हैं हैं बहुत सीन अच्छे बहुत अच्छे तभी नंदी ही प्यारा था कुछ कुछ जगह पे मुझे ऐसे लगता था यार ये क्यों दिखा रहे हैं या ये क्यों कर रहे हैं पर फिर ये मुझे समझा बाद में जब डिस्कस करी थी तो ये कह रहे थे मैंने कहा अच्छा चलो चलोज इज गुड फॉर सोसाइटी मैं कई बार मैंने बोला यार फिर शिव जी भगवान अगर ये मैसेज ही देना था तो कई अगर लगता है कि किसी की फीलिंग्स हर्ट हो सकती है या थोड़ा उस टाइप से लग किसी को लग भी जाए तो आप नहीं करते भगवान जी

कुछ कुछ कई चीजें ऐसी हैं जो स्लाइट वो हेजिटेशन की भैया ऐसी बात क्यों कर रहे हैं ये या वो 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 सोसाइटी में कई लोगों के अंदर है वो ही ओपन होने की जरूरत है right. ताकि जब वो ओपन होएंगे तो बच्चों के अंदर जो क्वेश्चंस है वो हेजिटेट करते हैं टीचर से पूछ रहा है टीचर नहीं आंसर दे रही उसी वजह से सारी प्रॉब्लम्स होती हैं अगर टीचर उसी टाइम उसको आंसर दे देती तो वो बाहर गलत लोगों के पास ना जाता right. तो right. वही बात है कि अगर स्कूल में एजुकेशन मिले प्रॉपर उनको इन्फॉर्म किया जाए बच्चों को तो उनको भी राइट और रॉन्ग सब कुछ पता चलेगा और सिचुएशन बहुत ही डिफरेंट हो जाएगी तो चलो फ्रेंड्स अपने थॉट्स चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो में लगाऊ आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए